गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम हेयर विथ यू एंड दिस इज़ योर जीके सेशन। प्रीवियस जीके सेशन में हमने सीजन लेसन कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डे एंड नाइट। डे मीन्स दिन एंड नाइट मीन्स रात, दिन और रात। लुक एट द थिंग्स यू कैन सी इन डे एंड नाइट टाइम। बताइए डे टाइम में आपको स्काई में कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं स्टूडेंट्स? क्या आपको डे टाइम में स्काई में मून नज़र आता है? क्या आप दिन के समय मून को देख पाते हैं? नहीं, डे टाइम में हमें स्काई में सन नज़र आता है, क्लाउड्स नज़र आते हैं और बर्ड्स नज़र आते हैं। आपने देखे होंगे बर्ड्स इधर उधर फ्लाई करते हुए, आपको स्काई में बर्ड्स फ्लाई करते हुए दिखाई दे जाते हैं, क्लाउड्स नज़र आते हैं, सन नज़र आता है। बट डे टाइम में क्या आपको स्टार्स और मून्स नज़र आते हैं? मून नज़र नहीं आता, स्टार्स नज़र नहीं आते। ये सभी चीज़ें हमें नाइट में नज़र आती हैं, जबकि डे टाइम में हमें सन, क्लाउड एंड बर्ड्स नज़र आते हैं। और नाइट टाइम में हमें स्टार्स और मून नज़र आता है स्काई में। आपने देखा है नाइट में मून कितना प्यारा लगता है और बहुत सारे हमें स्टार्स छोटे छोटे नज़र आते हैं। वो छोटे छोटे इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं। अब बात करते हैं हमारे प्रैक्टिस टाइम की। आई होप आप समझ गए हों, डे टाइम में हमें क्लाउड्स, स्काई में क्लाउड्स, बर्ड्स और सन नज़र आता है, जबकि नाइट में हमें मून और स्टार्स नज़र आते हैं। प्रैक्टिस टाइम, मैच ईच पिक्चर विद द रिलेटेड टाइम ऑफ द डे। देखिए आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं और आपको उन्हें रिलेटेड टाइम से मैच करना है। देखिए फर्स्ट पिक्चर है गो टू स्लीप, बाथिंग, कम बैक फ्रॉम स्कूल, प्लेइंग विथ फ्रेंड। और यहाँ पर है मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट। मॉर्निंग मीन्स सुबह का समय, नून मीन्स दोपहर, इवनिंग मीन्स शाम और नाइट मीन्स रात। गो टू स्लीप, हम सोने कब जाते हैं? क्या मॉर्निंग में? नो। नून में? नो। इवनिंग में? नो। नाइट में? यस। गो टू स्लीप को नाइट से मैच कर दीजिए, हम सोने के लिए नाइट में जाते हैं। बाथिंग, हम बाथ कब लेते हैं? इवनिंग में? नो। नून में? नो। नाइट में? नो। मॉर्निंग में? यस। हम सभी मॉर्निंग में उठने के बाद, ब्रश करने के बाद बाथ लेते हैं। कम बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस कब आते हैं? नाइट में, मॉर्निंग में, इवनिंग में? नो, नून में। यस, नून में, यानी कि दोपहर में। हम दोपहर में स्कूल से वापस आ जाते हैं। प्लेइंग विथ फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के साथ कब खेलते हैं स्टूडेंट्स? क्या आप मॉर्निंग में खेलने लगते हैं? नून में, नाइट में, इवनिंग में? यस, हम इवनिंग में अपना होमवर्क करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। तो इसी तरीके से आप पेज नंबर 66 कंप्लीट कर लीजिए अपने जीके बुक में। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई एंड पेस्ट स्टिकर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्काई। आइडेंटिफाई करना है और स्टिकर्स पेस्ट करने हैं उन ऑब्जेक्ट्स के जो आपको स्काई में दिखाई देते हैं। डे टाइम में बताइए आपको क्या दिखता है? डे टाइम में मैंने आपको बताया था अभी, डे टाइम में हमें दिखते हैं क्लाउड्स और सन। और जैसा कि आप जानते हैं स्टिकर्स आपकी बुक के बैक पेजेस में अवेलेबल हैं, तो हमें इसी तरीके से क्लाउड्स का स्टिकर यहाँ से रिमूव करना है और
इस तरीके से पेस्ट कर देना है। देखिए डे टाइम में हमें क्लाउड्स नज़र आते हैं और सन नज़र आता है, तो अब सन का स्टिकर भी इस तरीके से आपको रिमूव करना है और इस तरह पेस्ट करना है। इसी तरीके से नाइट में हमें क्या दिखता है, नाइट में हमें दिखता है मून और बहुत सारे टाइनी स्टार्स, तो आप इसी तरीके से स्टार के स्टिकर्स रिमूव कीजिए और उन्हें करेक्ट प्लेस पर स्टिक कर दीजिए लाइक दिस। इसी तरीके से आप मून का स्टिकर भी अपनी बैक बुक के बैक पे जिससे रिमूव करेंगे, और आपको मून को करेक्ट प्लेस पर स्टिक कर देना है लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको पेज नंबर 66 और पेज नंबर 67 अपनी जीके बुक में कंप्लीट करना है। पर ध्यान रहे, जब भी आप होमवर्क करें उससे पहले डेट मेंशन ज़रूर करें। ये था आपका होमवर्क, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट जीके सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, विल मीट अगेन।